भाई वो सामने देखो पेड़ कितना प्यारा लग रहा है यार, पूरे वाइट कलर के फ्लावर्स आ चुके हैं उस पे। ओहो भाई एकदम मस्त लग रहा है। आपको मैंने बोला था ना ये स्प्रिंग सीज़न यहाँ का सबसे बेस्ट सीज़न होता है, मेरा फेवरेट भी यही है स्प्रिंग सीज़न, सबको अच्छा लगता है यार। ये देखो भाई साहब वेलकम है गाइस, आपका एक और वीडियो में उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। इंडिया में तो बहुत गर्मी हो रही है, इस बार कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बट यहाँ पे अभी आज टेम्परेचर बहुत अच्छा है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। यूके में पता क्या सीन है यार, जब यहाँ पे बारिश होती है ना मानोगे उस टाइम पर जो टेम्परेचर है 10-12 तक अच्छा हो जाता है, ठंड कम हो जाती है बारिश की वजह से। तो पिछले 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, अभी भी बारिश होनी है, शाम को होनी है, अभी दिन का टाइम हो रखा है 11-12 बज रहे होंगे अभी। तो बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आप मेरे को नोटिस करो कि मैंने हुडी पहनी हुई है जस्ट, तो बहुत अच्छा क्लाइमेट है आज का। यहाँ पे ये खासियत है जो टेम्परेचर है ना एकदम से अप डाउन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, कई बार तो एकदम से ठंड हो जाती है और एकदम से बहुत अच्छा क्लाइमेट। मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपको फ्लावर्स दिखाया, मैं थोड़ा जाऊँगा उधर मेरे को अगर और भी वहाँ पर पेड़ दिखे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आपको दिखेंगे। तो कुछ ही दिन रुक जाओ फिर देखना, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा बूस्टर की, मैं क्यों यहाँ पे वापस मूव हो गया बूस्टर कोवेंट्री से। कोवेंट्री भी अच्छा है, बर्मिंघम भी अच्छा है, बट ये सिटी वन ऑफ द बेस्ट सिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेरे को रिव्यू मिला है वो तो कहते हैं पाजी हम यहाँ पे सेटल होंगे। हाँ तो खैर मैंने अपनी भी बात करनी है इस वीडियो में, मेरे को ना यार जब से मैंने वो वीडियो डाला ना कि भाई मैं आ रहा हूँ इंडिया आ रहा हूँ, है ना, मैं यूके छोड़ रहा हूँ, लिटरली बताऊँ आप वो वीडियो जाके चेक करो उसमें इतने सारे कमेंट आए हैं ना, 50% ऑफ जनता बोल रही है कि पाजी आप इधर मत आओ, बिल्कुल मत आओ, इंडिया में मत आओ, 50% जनता बोल रही है पाजी आ जाओ बढ़िया है ना। तो आप लोगों के बहुत ऊपर नीचे कमेंट ऐसे आए हैं, ठीक है ना, देखते हैं डिसाइड कर रहे हैं, बाकी घर पे भी बात हुई दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं यार, ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोलोगे ना वैसे मैंने कर देना है, तो मैंने अपना भी देखना ना जैसे मेरे को ठीक लगेगा। बट हाँ अभी जितना टाइम है यहाँ पे आपको घुमाएंगे, है ना, जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे, बाकी यहाँ पे जितना टाइम हूँ समर तो इन्जॉय करूँ एटलीस्ट। बट आप मेरे को पूछ रहे हो पाजी अभी कितना, अभी हूँ यार भाई अभी यहाँ पे ही हूँ, ठीक है, समर तक तो मैं यहाँ पर ही हूँ, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियोस डाल दूँगा, बता दूँगा, ठीक है। तो खैर जो आज की वीडियो होने वाली थी इसी टाइटल के बारे में मैंने आपके साथ बात करनी है थोड़ी डिटेल में, बाकी देखो सेप्टेम्बर इनटेक कह रहे हो ना आप यार, सेप्टेम्बर इनटेक मेरे को पूछ रहे हो कब क्लोज होगा, ओपन तो है, आप पूछ रहे कब क्लोज हो जाएगा। देखो मैं इसमें गारंटी नहीं ले सकता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी क्लोज भी हो चुकी हैं, आप मानोगे इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, मेरे पास भी इतनी एप्लीकेशन आई हैं ना भाई मेरा सिर दुखने लग जाता है, अब काम तो करना ही है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं इस बार, मेरे को लग रहा है इस बार बहुत स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि इनका ये है ना कि यहाँ के प्रपोजल काफ़ी आ चुके हैं, तो ये वीज़ा आगे बंद भी कर सकते हैं मे बी नेक्स्ट ईयर से, है ना, जो डिपेंडेंट वीज़ा है तो नेक्स्ट ईयर से ये बंद कर सकते हैं क्योंकि प्रपोजल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं जितने भी अपने इंडिया में जितनी भी जनता है ना, तो कनाडा वीज़े दे नहीं रहा, आपको भी पता है रिफ्यूज़ल बहुत आ रही है कनाडा से, जिससे बात करो 2-3 बार, और भाई मैं लिटरली बताऊँ टाइम बहुत ख़राब करो, ठीक है। अभी सितंबर इनटेक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे है यूनिवर्सिटी जून तक ओपन है, बट हाँ गारंटी नहीं ले सकते, अगर सीट्स फुल हो गई तो फिर आपको वो डेफर कर देंगे, आपको सितंबर नहीं मिलना फिर वो जनवरी में आपको डाल देंगे। तो ट्राई करो, ज़्यादा डिले मत करो, मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्रैल इनटेक किया था, वो बस अभी फीस वो भर चुके हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं पाजी भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो खैर मेरे को भी वो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि पाजी हमारा कैश लेटर, भाई आप लोग का कैश लेटर इस वीक में आ जाएगा, ठीक है, 7-10 डेज लगते हैं, जिस दिन आप फीस डिपॉजिट कर देते हो ना तो आपका कैश लेटर 7-10 दिन में आ जाता है, कैश लेटर को लेट नहीं करते, उनको भी पता आपका अप्रैल इनटेक है और आप अपना फर्स्ट वीक में आराम से अपना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटी में लगाना है ना, मैंने वीज़ा फाइल करना आपका ना, प्रायोरिटी में लगाएंगे आ जाएगा। और जुलाई इनटेक भाई साहब क्लोज हो चुका है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम पहले ही क्लोज़ हो गया है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो मेरे थ्रू यहाँ पे बूस्टर में ही आना चाहते हो तो वो भी आप एप्लीकेशन मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप खोल के चेक करो, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन एक फॉर्म है, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तभी मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। इन केस अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स कुछ कहते हैं कि नहीं अपलोड हो पाते हैं ना भाई, आप पढ़ने के लिए आ रहे हो ना यूके, मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे भाई इनको ईमेल भी सेंड करने नहीं आती है,
और वो कह रहे हैं हमने यूके आना स्टडी करने। नहीं ऐसा मैंने देखा सच में, मेरे को स्टूडेंट का कॉल, पाजी व्हाट्सएप पे भेज दूँ मैं डॉक्यूमेंट्स, मेरे को ईमेल नहीं भेजना आता, कैसे भेजते हैं? अरे भाई किसी फ्रेंड से सीख लो, ईमेल तो आपको पता होना चाहिए कैसे भेजनी है भाई। बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट अटैच करो, उसमें ऑप्शन आती है, यूट्यूब पे देख लो कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज़ करो, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है ना, उस पर सर्च मारो हाउ टू सेंड ईमेल। तो कुछ ऐसे भी अपने स्टूडेंट हैं, महापुरुष हैं जिनको मेल भेजनी नहीं आती है, और मेरे को काफ़ी अजीब लगा कि आप यूके आना चाहते हो, यहाँ पे तो सब काम चलता है ईमेल से है। तो खैर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, वो फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर देना, तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा 7 डेज़ में। अभी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी तो 2-3 दिन में भी दे रही है ऑफर लेटर, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो डिपेंड करता है आपने किधर जाना है। तो वूस्टर है, बर्मिंघम में भी है, लंदन में भी है, लाइस्टर में भी है, बोल्टन है अपने पास, चेस्टर यूनिवर्सिटी है, बेडफोर्डशायर, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका बजट बनता होगा, जिसमें आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें आप एलिजिबल होगे, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एकदम से ठंड कम हुई है, लाइट, चलो धूप नहीं है बट फिर भी आज बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, इतनी भी ठंड नहीं है, सच में मज़ा आ गया आज तो। बस मेरे को आधा घंटा हो गया मैं घूम रहा हूँ आज, नेचुरली क्या है संडे भी है और लोग सारे बाहर घूम रहे हैं, मेरे को स्टूडेंट्स भी मिले, मैं आ रहा था सिटी में तो अपने स्टूडेंट अभी यहाँ पे इंडियंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताऊँ कि मैं कब आया था यार, मैं 2020, मेरे को आप पूछते हो ना कि पाजी आप अपने बारे में, क्योंकि अभी जो यहाँ पे चैनल पे नई ऑडियंस आई होती है, नई जितने भी देखने वाले नए स्टूडेंट जुड़े होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है वो वीडियोस नहीं देखते, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखे यहाँ पे आ जाते हैं वो, फिर उनको क्या है ना, वो तो यूके ऑलरेडी आ ही चुके हैं, सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहे हैं, उनको अब इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। जो इंडिया में होते हैं वो नई ऑडियंस जुड़ी होती है, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे को मैसेज आते हैं कि भाजी अपने बारे में आपने क्या किया, क्या जॉब कर रहे हो, कहाँ पे हो, किस सिटी में हो। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊँ भाई, मैं बेसिकली चैनल का नेम आपको ऑलरेडी पता है, पटियाला बॉय, पंजाब से हूँ भाई, तो वहाँ पे ही मैं बॉर्न हुआ हूँ, वहाँ पे ही मैंने काम किया है, मैंने 4 साल अकाउंटिंग लाइन में जॉब की बीकॉम करने के बाद, ठीक है। और सैलरी आपको पता ही है अपनी सिटी में, लोकल सिटी में वहाँ पे भाई 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग होती है जब आप फ्रेशर होते हो, तो इतने से स्टार्टिंग हुई। लास्ट मेरी सैलरी जब मैं आया यहाँ पे मेरी 20-25 हज़ार तक मैं पहुँच गया था, वो भी मार्केटिंग वाली जॉब, मैंने अकाउंटेंट की छोड़ के मार्केटिंग में गया था। और भाई साहब इतना स्ट्रेस था जो मैं आपको क्या बताऊँ, है ना। तो ये सब चीज़ें थी, टारगेट होता था अचीव करो फिर बोनस मिलेगा, आपको पता है ऊपर से कॉल आ रही है कि आपका ऑर्डर नहीं हुआ ये वो, फिर ऊपर से धमकी आ जाती है कि हाँ अगर अगले महीने टारगेट ना हुआ तो आपको जवाब दे देंगे, हमें कुछ और देखना पड़ेगा, कोई और बंदा देखना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे भाई सब बाहर जा रहे थे, ठीक है, और गए भी, कनाडा चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, और यूके उस टाइम पे कोई नहीं आता था, लिटरली बताऊँ ये 2020 नहीं 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे यूके में क्या था कि जब आप स्टडी करो ना तो 6 महीने का वर्क परमिट मिलता था, और उस डर की वजह से कि कोई 6 महीने में क्या बनेगा बंदे का, 6 महीने का जॉब ना मिले वापस जाना पड़ेगा नहीं तो इलीगल, तो उस टाइम पे यूके में कोई भी नहीं आता था, इतना रश नहीं था जितना आज हो चुका है 2019 में अपने बोरिस जॉनसन, भाई मेरे को तो वही अच्छे लगते हैं सच बताऊँ। अभी ठीक है प्राइम मिनिस्टर अपने इंडियन एशियन है जो भी हैं, ऋषि सुनक जी वो भी अच्छे हैं, बट बोरिस जॉनसन ने इमिग्रेशन के मामले में बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए स्टूडेंट्स के लिए, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे भी इन्होंने स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियली हेल्प भी किया, 500-500 पाउंड भी दिया था इन्होंने स्टूडेंट्स को कोविड के टाइम में। तो उस टाइम पे इमिग्रेशन रूल्स बहुत ईजी हुए, स्टूडेंट यहाँ पे आए, आपको पता है, अब मैं अपना बताऊँगा आप लोग शॉक हो जाओगे, आप बिलीव नहीं करोगे मैं सच बताऊँ। तो मेरा क्या था, मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ाऊँ, ठीक है, और 2020-2019 में अगस्त सितंबर में इन्होंने अनाउंस कर दिया अपने बोरिस जॉनसन से 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा जो समर 2021 में ग्रेजुएट होंगे, तो ये अनाउंसमेंट होगी उस टाइम, आने वाले फ्यूचर में इंप्लीमेंट होगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने एक्चुअली यूरोप का भी अप्लाई किया हुआ था, मेरा एक कंट्री का ऑफर लेटर आ गया था, तो वहाँ मेरे पैसे ख़राब हुए, मैंने एजेंट को, मैं भी आपकी तरह ही हूँ यार, है ना, इतनी समझ नहीं थी मेरे को, यहाँ आके पता लगता है कि क्या सीन है कैसे चलता है सब, तो एजेंट में मैं भी फंस गया था, उसने मेरे को अपनी कंट्री में उधर मेरे को पुश कर दिया कि इसमें तेरे को भेज देते हैं, ऑफर लेटर आया बट मैंने डिसाइड किया नहीं यूके चलते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और लकली जैसे हम 2020 में मेरा आ गया वीज़ा, मैं इधर आ गया वूस्टर यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिलता है, मेरे को भी मिला था, हर साल फीस 500-600 पाउंड बढ़ जाती है, तो अभी जो फीस चल रही है मेरे टाइम में 13,000 के राउंड थी, 13,500 के, अभी जो फीस चल रही है भाई 15,500-16 के, 15,500 के राउंड है, उसमें से 3,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो मैं आया, ठीक है,
कहते जो होता है अच्छा ही होता है। मेरे लिए भाई लॉकडाउन मैं बताऊँ अच्छा रहा, जो भी था ना, जॉब नहीं थी, क्या पता इसी बहाने से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, वीडियो स्टार्ट कर दिया, आपको यहाँ का दिखाना स्टार्ट किया। मे भी अगर लॉकडाउन या कोविड ना हो रहा होता तो मे भी मैं चैनल ना स्टार्ट करता, अपनी लाइफ में बिजी हो जाता, पार्ट टाइम जॉब ये सब। तो कहते हैं ना ऊपर वाला भाई जो करता है अच्छा करता है, बस वो जैसे कर रहा है ना उस पर बिलीव करो। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ ना भाई, उसमें भी अच्छा ही है, आपको बाद में पता लगता है। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, ठीक है। मैंने फ़ोन नया 550 pound में बाय कर लिया, ठीक है, कैश पे जाके। भाई साहब अभी मैं आया यूके, सब सबके अंदर कीड़ा होता है वो, तो मैं अभी जस्ट अभी मेरे पास जो कैश में लेकर आया था, तो मैंने आते सार बर्मिंगम गया, उधर जॉन लुइस वहाँ पे है, इनका फ्रेंचाइजी है, उधर से मैंने अपना फ़ोन बाय कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो फ़ोन आप पूछते हो भाई, 1+7 Pro, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है, वो फ़ोन मैंने बाय किया, उसके साथ मैं वीडियो स्टार्ट की, ठीक है। तो मार्च में लॉकडाउन हो गया, घर से गालियाँ भी पड़ी कि भाई तेरे को पैसे दिए थे खर्चे के लिए, अब कोविड हो गया तूने फ़ोन भी बाय कर लिया। तो उसी टाइम पे फिर ऐसे ही यार ये रैंडमली स्टार्ट हुआ है, कोई मैंने ऐसे सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मैं आगे ऐसे ऐसे मतलब प्रोफेशनल हो जाऊँगा या जो भी हो जाएगा, तो एक रैंडमली हुआ था। साथ के साथ यूट्यूब स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया, आप सबका प्यार है जो आज इतने सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर, मुझे लगता है आई थिंक 160K अराउंड हो चुके हैं, ठीक है। ये आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, और आज मैं यही जस्ट आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ कि हाँ जो बेचारे पंजाब और हरियाणा में स्टूडेंट फंस जाते हैं एजेंट के पास, भाई 1-1 लाख 1.5 लाख मानोगे पैकेज सिस्टम करते हैं, वो गलत एजेंट के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये मैंने डिसाइड करके आपको बताया कि मैं इंडिया जाने का प्लान कर रहा हूँ, यानी ये रीज़न था मेरा। और रही बात जॉब की, जॉब मैंने काफ़ी जगह पार्ट टाइम इधर उधर की, बट मैं लास्ट 1 ईयर से भाई यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको भी टाइम देना पड़ता है। तो कंसल्टेंसी का मैं कॉलिंग पे होता हूँ स्टूडेंट्स के साथ डेली, मैं 100 स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, 50 से 100 स्टूडेंट मेरे हो जाते हैं रोज़ के, ठीक है। उनके साथ फ़ोन पे बात करनी, उनकी प्रोफाइल देखनी कैसे चल रहा है, फिर आगे एप्लीकेशन वीज़ा जो भी है ना, एलिजिबिलिटी चेक करनी किस यूनिवर्सिटी में होगा। तो अभी लाइफ में ये सब चल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ वो मैं अगर पंजाब और हरियाणा में जाके करूँ तो स्टूडेंट से डायरेक्ट मिलूँगा, फैमिली मेरे को मिल सकती है। तो ये रीज़न था इंडिया आने का, कुछ ऐसा कोई खास रीज़न आप जो बोल रहे हो, काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट भी आए मेरे को, है ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। और पीछे घंटा बज गया, एक बार बजा है तो इसका मतलब भी एक बज चुका है, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, यहाँ लाइफ यहाँ भी अच्छी है, इंडिया में अगर आप अच्छा पैसा कमाते हो तो लाइफ इंडिया में भी अच्छी है। तो वो है कि आपको हर एक चीज़ सब जगह नहीं मिलेगी, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है गाइज, मैं थोड़ा सा वॉक के लिए जाऊंगा, अगर मेरे को कुछ अच्छा लगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा वहाँ पे, बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा। जिस दिन धूप होगी थोड़ा आपको लेके चलेंगे, आज क्लाउडी है तो बारिश का कुछ नहीं पता कब स्टार्ट हो जाए। तो खैर सितंबर इनटेक ओपन है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, बिल्कुल मेरे ऊपर है एक हेलीकॉप्टर। हाँ तो सितंबर इनटेक ओपन है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो एप्लीकेशन तो आप फॉर्म फिल कर देना, आई विल कॉन्टैक्ट यू। थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो भाई, संडे को ना यार डिस्टर्ब मत करा करो, संडे को बहुत मैसेजेस आए होते हैं भाई, संडे को मेरे को भी एक दिन ऑफ चाहिए ना यार, ठीक है। यहाँ पे तो 5 वर्किंग डेज होती है, पर मैं यहाँ पे 6 वर्किंग डेज कर रहा हूँ, सैटरडे करता हूँ मैं काम, ठीक है। अभी तो संडे को आप कॉल, मेरे को बहुत कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप पे, मिस कॉल टेक्स्ट बहुत आते हैं भाई, संडे को प्लीज़ ज़्यादा मैसेज मत करा करो, आप मंडे ट्यूजडे करो, मेरे को तंग करो कि पाजी मेरा काम करवा के दो। कुछ स्टूडेंट हैं भाई तंग करो मेरे को, मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, जिनकी एप्लीकेशन कई बार रह जाती है ना, मेरे को खुद तंग करो कि भाजी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाओ करवाओ, एक बार एप्लीकेशन हो जाएगी फिर आपको ही मेले आनी है आगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले तंग करेंगे भाई तेरा ऑफर लेटर आ गया आगे प्रोसेस करो, फिर आप बताना मेरे को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। मेरे को पता है ये जस्ट मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे, पर्सन अपना जो भी एक्सपीरियंस है शेयर किया, जो मैं क्या कर रहा हूँ क्या चल रहा है, और वो भी मैंने आपको बताना था इस वीडियो में। तो किसी टॉपिक पे कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।